हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बस अभी ये दोनों बहनें उठ गई है सुबह सुबह, तो इन दोनों की उठते ही आज मस्ती चालू हो गई है। ये देखो, और बस यहाँ पर मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि मुझे बनानी है सब्जी। तो यहाँ पर मैंने चाय नाश्ता कर लिया था हम तीनों ने, तो बस अभी मैं बनाऊँगी खाना। तो आज मैं बना रही हूँ सब्जी भतुआ की, मतलब भतुआ का रायता बना रही हूँ। तो मुझे पता ही नहीं था यहाँ पर भी मिलता है, लेकिन कल सब्जी लेने गई थी ना, तो वहाँ पर एक औरत ले रही थी, तो मैंने भी पूछा, तो वहाँ से फिर मैंने लेके आई थी। तो इस मतलब मैं काफ़ी टाइम बाद खा रही, जैसे कि 1-1.5 साल हो गया है, तो बस उसी की वजह से लेके आई थी। तो आज मैं बनाऊंगी इसका रायता। तो मैं सुबह सुबह गई थी बाहर, तो मैं दही भी लेके आ गई हूँ। तो पहले बतुआ की सब्जी बना लूँगी और फिर मैं बनाऊंगी रोटी। तो पहले सब्जी बनाऊंगी, फिर मैं दही में उसको डाल के रायता बना लूँगी। तो वह बन जाएगा बतुआ का रायता। तो यहाँ पर मैं सब्जी बना लेती हूँ पहले। और यहाँ पर जब तक सब्जी बनेगी, मतलब सब्जी बनने को ही आई है, तो मैं बस आटा लगा दूँगी, फिर बनाऊँगी मैं रोटी। तब तक सब्जी थोड़ा ठंडा हो जाएगी और फिर मैं दही में ऐड करके इसका रायता बना लूँगी। तो पहले मैं आटा लगा देती हूँ। यहाँ पर रोटी बना ली थी मैंने और अभी मैं बना लूँगी रायता। तो उसमें मैं जितना मुझे लगेगा सब्जी उतना ऐड कर लूँगी, और जो बाकी बचेगा वो मैं ऐसे ही खा लूँगी, क्योंकि सब्जी भी इसकी बहुत अच्छी लगती है। और बस यहाँ पर देख सकते हो रायता बन गया है और काफ़ी अच्छा बना था। और कहते हैं ना, कभी कभी खाने में आती वो चीज़ हमें बहुत अच्छी लगती है, तो बस वैसे ही। और आज मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, जब से मैं ऐसे बनाने वाली थी ना, तब से मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही थी। तो बस यहाँ पर मैंने खाना भी खा लिया था और फिर कपड़े भी धो दिए थे मैंने सारे, और दोनों बेटियों को इस वक्त मैंने सुला दिया था, लेकिन फिर वो उठ गई थी बाद में जब मैं बाथरूम धो रही थी। तो आज मैं बाथरूम धो रही हूँ और बाकी मेरा सारा काम हो गया है, सिर्फ बाथरूम धोना है और फिर मुझे नहाना है। तो पहले मैं बाथरूम धो दूँगी, क्योंकि फिर वापस भीग जाऊँगी, इसके लिए मैंने पहले सारे कपड़े धो दिए थे जो मेरे हस्बैंड के और मेरे दोनों बेटियों के, और फिर मैं नहाऊँगी बाद में। तो बस यहाँ पर मैं बाथरूम धो देती हूँ।
बस यहाँ पर मैं बाथरूम धो ही रही थी कि मेरी बेटी उठ गई थी, क्योंकि मैंने मतलब बड़ी वाली बेटी सोई नहीं थी, वो मैं 2-3 दिन से देख रही हूँ उसको, उसको नींद नहीं आती है, पता नहीं क्या हो रखा, शायद वो सुबह लेट उठती है उसकी वजह से उसको नींद नहीं आती है, तो वो सोती नहीं है, और तो उसकी वजह से छोटी वाली बेटी भी जल्दी उठ जाती है। तो आप देख सकते हो ये अंदर आ गई है और कैसे देख रही है, और जब भी ऐसे खुद को देखती ना तो हंसने लगती है। तो बस यहाँ पर मैं धो रही हूँ, वैसे ऊपर वाला मैंने धो दिया था और अभी सिर्फ फर्श धोना बाकी है, क्योंकि बच्चे हैं ना, मैं रोज़ ऐसे थोड़ा बहुत धो लेती हूँ, पर हफ्ते में एक बार मैं इसको पूरा धो देती हूँ, और बच्चे कुछ ना कुछ बाथरूम में भी खाते खाते गिरा देते हैं, तो उसकी वजह से मतलब ठिकना हो जाता है, बहुत ही गंदा हो जाता है। तो यहाँ पर फर्श वगैरह मैंने सारे धो दिए हैं और अभी मैं धो दूँगी दरवाज़ा, तो बस क्योंकि दरवाज़ा भी काफ़ी गंदा हो जाता है। और अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो मेरी दोनों बेटियाँ बहुत ही ज़्यादा शोर कर रही है, मैं इनको समझा रही हूँ पर फिर भी नहीं समझ रही है, क्योंकि छोटे बच्चे होते ही ऐसे, उनको समझाते हैं ना कभी कभी तो बैठ जाते हैं, लेकिन कभी कभी उनको समझ ही नहीं आता है। तो बस इसी के साथ मैं व्लॉग को आज यही एंड करूँगी। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, और कोशिश करूँगी कि मैं रोज़ वीडियो लेके आऊँ। तो चलिए वीडियो को यही एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।